नमस्कार, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। यूक्रेन में एक अजीब वाकया हुआ है। वहां एक 24 साल के लड़के ने सेना में भर्ती होने से बचने के लिए रिश्ते में अपनी दादी से ही शादी कर ली। दुल्हन की उम्र 81 साल है। ये मामला जहां एक और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है, वहीं लड़के की खूब आलोचना भी हो रही है। लेकिन कानून उसके साथ है, यानी उसने जो किया वह कानूनन सही है। अलेक्जेंडर कोनराट्यूक नाम का ये शख्स यूक्रेन के विनिट्सा शहर का रहने वाला है। यूक्रेन में 18 साल से 26 साल के हर शख्स के लिए सेना में सेवा देना अनिवार्य है। लिहाजा अलेक्जेंडर को भी साल 2017 में इस बाबत एक चिट्ठी मिली। वह हर युवा को सेना में एक साल तक समय बिताना होता है। अलेक्जेंडर को ये सेवा नहीं देनी थी, इसलिए उसने नियमों से खेलने का फैसला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिलिट्री सर्विस से किसी को छूट तभी मिल सकती है जब उस शख्स के ऊपर किसी दिव्यांग की देखभाल की जिम्मेदारी हो। अलेक्जेंडर ने इसी नियम को हथियार बनाया। वह अपनी एक चचेरी बहन की दादी जिनाइडा के पास पहुंचा। बताया जाता है कि उसने तब 79 साल की इस दादी को न सिर्फ शादी का प्रस्ताव दिया बल्कि मना भी लिया। अलेक्जेंडर की उम्र उस वक्त 22 साल थी। वह सेना में भर्ती होने से बच गया। हालांकि आशंका ये भी जताई जा रही है कि जब उसकी उम्र 26 साल हो जाएगी तब क्या वे खुद से 57 साल बड़ी दुल्हन को तलाक दे देगा।